अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम साइन वेव यूपीएस के ट्रांसफार्मर के बारे में मालूमात शेयर करेंगे। ये दोस्तों, हमने साइन वेव के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि ये 52 दो हिस्सों में है और हमने इस पर 18 नंबर तार की वाइंडिंग की है। इसमें ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तकरीबन 1.25 इंच ये चौड़ाई है और दूसरा ये 1.5 इंच की चौड़ाई है। अब 1.5 इंच के हिस्से के ऊपर हमने 18 नंबर तार डाली है, तो जो कि बिल्कुल इस 52 के बराबर बराबर आई है। और इसके अलावा आपने जो भी ट्रांसफार्मर रिवाइंड करना है, चाहे वो 12 में हो या 24 में या 48 में, तो आपने अपने लोड के मुताबिक इसमें तार इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये हमने 2x3 की 52 रिवाइंड की है। इस पे हमने 1000 वाट का लोड डालना है, तो इसके लिए हमने 12 वोल्ट के लिए 18 नंबर तार इस्तेमाल की है और ये सेकेंडरी के लिए हमने ये 10 डबल तार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोस्तों, क्योंकि दोनों बावने इसकी अलग अलग हैं, एक के ऊपर हमने प्राइमरी रिवाइंड किया और दूसरी के ऊपर ये सेकेंडरी रिवाइंडिंग हो रही है, तो ये दोस्तों 16 टन 12 वोल्ट के लिए हमने सेकेंडरी की डाली है और प्राइमरी की 308 टन है। और ये सिलिकॉन कोर इसमें डालें ताकि ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिले। तो ये सेकेंडरी का आखिरी सिरा है 250 वोल्ट का, और ये अब हमने इसके ऊपर लेदराइड लगा कर इस कॉइल को मुकम्मल कर लिया है। और ये कॉइल मुकम्मल होने के बाद हमने एक दूसरी कॉइल जिसमें ये मुकम्मल एक ही 52 है, इसको रिवाइंड कर रहे हैं। तो इसमें आप रिवाइंड करें, चाहे दो हिस्सों में रिवाइंड करें, दोनों में ट्रांसफार्मर की जो परफॉर्मेंस है वो एक ही है। उसमें थोड़ा जगह जो ये 52 की है वो थोड़ी कम है, तो वहाँ पे एक ही जगह उसके करीब करीब ही एक ही जगह पर 52 को रिवाइंड करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी जगह खुली है, इसलिए इसकी तार को भी हमने थोड़ा खुला खुला रिवाइंड किया है ताकि तारों का आपस में अलग अलग रहे। ये असीब अहमान और तोहीद अहमान दोनों शागिर्द, और ये कॉइलें हमारी तैयार हैं। हमने ये चारों कॉइलें 24 वोल्ट के लिए रिवाइंड की हैं और इनमें आप ये कोर डाल के हमने ट्रांसफार्मर तैयार कर दिए हैं। ये दो ट्रांसफार्मर डाई हैं जो कि 48 वोल्ट, ये भी साइन वेव में है, और ये ट्रांसफार्मर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। मज़ीद हम आपको डायग्राम के ज़रिए इस ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ और मालूमात शेयर करते हैं, क्योंकि मार्केट में दो किस्म के ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, एक की सेकेंडरी वाइंडिंग 6.5.5 वोल्ट और दूसरा 7.5.5 वोल्ट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये एक तरीकाकार निकाला है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अगर आपने 7.5.5 वोल्ट की वाइंडिंग डालनी है, तो फिर आप ये दोस्त इमरान एंड को वगैरह या कोई और कोई भी कंपनी है, तो उसके लिए तो आपने 215 टर्न डालनी है, और वनट्रॉनिक्स के लिए आपने 250 वोल्ट की टर्न डालनी है। तो तार आप जो भी इस्तेमाल करेंगे, आपने अपने लोड के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। तो ये वनट्रॉनिक्स के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं 6.5, 13 और 26 वोल्ट 48 वोल्ट के लिए ये ट्रांसफार्मर इस तरह रिवाइंड होंगे, जबकि इमरान एंड को के या
कोई भी और है 7.5, 15, or 30 volt के हिसाब से रिवाइंड होता है। तो ये क्योंकि हम 1 volt के लिए इस सेकेंडरी वाइंडिंग से लूप तो निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने लूप को प्राइमरी के अंदर निकाला है। वहाँ पे इसको निकालने का मकसद ये है कि आपका ट्रांसफार्मर एक ही हो और जो भी किट आपको अपने काम करने के वक्त मैसर हो, चाहे वो 6.5 volt की हो या 7.5 volt की, आप उस किट को इस ट्रांसफार्मर के साथ लगाएं और अपने ट्रांसफार्मर से 100% परफॉर्मेंस ले लें। तो ये सेकेंडरी हमने 12 वोल्ट के लिए 10 नंबर 11 नंबर और ये 12 नंबर तार आप अपने ट्रांसफार्मर की वाट के हिसाब से तार इस्तेमाल करें। तो ये 1-1 volt का इनका डिफरेंस है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने ये 265 टन और 308 टन इस ट्रांसफार्मर में डाली हैं और ये ट्रांसफार्मर आपको परफॉर्मेंस पूरी देगा क्योंकि सेकेंडरी के ऊपर टर्ने वही रहेंगी। प्राइमरी में आपने जब 215 पे आप 250 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये लेफ्ट और राइट पर सेकेंडरी की तार के आपको 7.5 वोल्ट मिलेंगे और अगर आपको 6.5 वोल्ट की वाइंडिंग चाहिए तो आपने 0 से 250 की वाइंडिंग पर 250 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो आपको उस वक्त 6.5 वोल्ट सेकेंडरी की वाइंडिंग से मिलेंगे। तो ये दोस्तों ट्रांसफार्मर के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर की हैं। चाहे आप 12 वोल्ट हो, 24 हो, 48 हो, हर एक के ऊपर आपने तार वगैरह अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करनी है, अपनी वाट जो चाहिए वो इस्तेमाल करें, लेकिन कुलिया यही रहेगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबी व बारिक व सल्लम।